स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए 72 है, 72 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से इसको पावर में ले जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा करते हैं शॉर्ट, देखिए 2 × 36 इसको लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 18, 18 × 36। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 9 × 18 लिख सकते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 2। फिर इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3, 9 को भी तोड़ सकते तोड़ेंगे, 3 × 3, और इसको 2, ठीक। तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब इसको हम लोग एक जगह, देखिए 2 वाले को एक जगह कर देते हैं और 3 वाले को एक जगह करते हैं, 3 × 3, ठीक। अब जो आपको हम लोग पावर बताए थे कि पावर कैसे लिखना है, जितना बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, एंड यहाँ पे बच गया 3 × 3 × 2। तो हम लोग 72 को इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 2। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हुआ। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे बताऊंगी, उसे आप ज़रूर से देखेंगे। और मैं इस तरह से, ये क्लास 7 to 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है जिसको आप सीखेंगे मेरे वीडियो से, और अगला क्वेश्चन भी मैं इसके आगे बताऊंगी, इसको ज़रूर देखेंगे आप लोग और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।